नमस्कार दोस्तों, मैं नीटू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पुराने से पुराने शरीर के घावों को कैसे भर सकते हो। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको बहुत पुराने समय से कोई चोट लगी थी और वहां पर घाव हो गया, उसके अंदर कभी पस बन जाती है, कभी ऊपर वाली लेयर आ जाती है, उसको उतार देते नीचे फिर पस बन जाती है। वो घाव हरा का हरा रहता है, सूखने का नाम ही नहीं लेता, चाहे उसने कितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन खाई हो, सेप्ट्रोन वगैरह, एल्थ्रोसिन वगैरह, बीटाडीन वगैरह लगा के देख लिया, लेकिन घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक आयुर्वेदिक आपको नुस्खा बताऊंगा, उस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। कितना भी पुराना घाव हो शरीर पर, कितना भी बड़ा घाव हो, उसको आप आसानी से भर सकते हो बिना किसी साइड इफेक्ट के। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर घाव आपका नहीं भर रहा है तो अपना शुगर का ब्लड शुगर लेवल चेक जरूर करवा लीजिए किसी लेबोरेटरी में जाकर, क्योंकि शुगर की वजह से, शुगर की बीमारी की वजह से घाव कई बार नहीं भरते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप जो मैं नुस्खा बता रहा हूं उस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए और अपने घाव को, पुराने से पुराने घाव को आसानी से भर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों साफ सफाई रखनी जरूरी होती है घाव के अंदर ताकि पस ना बने, और कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन मत लीजिए क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन बहुत गर्मी करती है शरीर में और वो खून को भी सुखाती है, तब जाके वो घाव सूखता है। नुस्खा क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 5 ग्राम लहसुन का रस निकाल लीजिए, लहसुन की जो कली होती है उनको पीस के 5 ग्राम लहसुन का रस निकाल लीजिए, और 10 से 20 ग्राम एक गुनगुने पानी के अंदर आप वो लहसुन का रस डाल के उस पानी को घोल लीजिए। उस पानी से दोस्तों आपने पहले तो उस घाव को धोना है। ऐसा दोस्तों आपको हर रोज करना, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा आपको हर रोज करना है। इस प्रोसीजर को बार बार, यानी कि दिन में 1 या 2 बार आपको जरूर करना है इस प्रोसीजर को। 5 ग्राम लहसुन का रस निकालिए, 20-25 ग्राम पानी के अंदर आप वो लहसुन का रस घोलिए और घाव को साफ कर लीजिए उस पानी से। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो क्या करनी है, लहसुन की जो कली होती है 2 से 3 कलियों को बिल्कुल बारीक कूट लीजिए। कूटने के बाद दोस्तों एक कपड़े के साथ या फिर पट्टी, ये जो बैंडेज होती है उसकी सहायता से आप लहसुन की कलियों को अपने घाव के ऊपर बांध लीजिए और 8 से 10 घंटे तक या फिर 15 से 16 घंटे तक आप बंधा रहने दीजिए। जितनी देर तक हम पट्टी रखते हैं, बैंडेज रखते हैं, उतनी देर तक जैसे बीटाडीन वगैरह की मलहम वगैरह लगा के हम रखते हैं, ऐसे ही आप लहसुन की कली को पीस करके घाव पर लगाकर बांध लीजिए और रख लीजिए। उसके बाद खोल दीजिए। छोटा अगर घाव है तो 3 से 4 दिन लगेंगे, बड़ा घाव है तो अकॉर्डिंग टू क्या कितना कितना बड़ा घाव है इतना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी घाव रिकवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों उसके अंदर पस बनना बंद हो जाएगी। पस जब बनती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है पेशेंट को और बहुत ज्यादा दर्द के वो इंजेक्शन वगैरह, वोवरान वगैरह के इंजेक्शन वगैरह लगवाता है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लीजिए, इस नुस्खे का सेवन कर लीजिए। खाने की चीजें दोस्तों आपको कोई खट्टी चीजों से बस दूर रहना है, फास्ट फूड से दूर रहना है। खट्टी चीजें अगर आप ज्यादा खाओगे जो इमली से बनती है, अगर वो चीजें, लस्सी वगैरह से दूर रहना है, कच्चे दूध से दूर रहना है, कच्चा दूध मतलब बिना उबला हुआ, उबाल कर दूध को पीजिए, थोड़ी सी पत्ती डाल दी, चाय पत्ती डाल लीजिए उसके अंदर ताकि उसके अंदर से फैट खत्म हो जाए और वो आपके घाव को हरा ना रखे, आपके घाव के अंदर पस ना बनने दे। खाने पीने की इन चीजों का ध्यान रखना, बाकी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए, इस नुस्खे को उपयोग कीजिए, 100% आपका घाव बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में रिकवर हो जाएगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। जो पानी वाला नुस्खा है दोस्तों, यानी कि पानी से जिसको आपको धोना है वो जरूर धोना है। कई बार अगर इमरजेंसी है तो आप डायरेक्ट, अगर साफ है आपका घाव तो आप डायरेक्ट लहसुन की कली का मलहम भी लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो आप धोओगे ना उस पानी से तो और भी अच्छी बात है, जल्दी रिकवर होगा आपका घाव। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन सुबह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो, वीडियो फेसबुक के ऊपर पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, हम यहाँ पर वीडियो डालते रहते हैं। और दोस्तों अभी मैंने एक वेबसाइट बनाई है www.rambaniraj.com, अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हो तो सभी की सभी बीमारियों का इलाज आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो का, वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक जरूर करना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए नुस्खे के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।